Hello and welcome to Hot Pack Flavours of Ramadan powered by Sadia. My name is Gaurav. Naam to suna hoga. Iftar ke babarkat lamhat ek anmol waqt hota hai jab sara gharana ek jut hokar Ramadan ki rehmaton ko mehsoos karta hai. Iftari ke waqt saath mil baithne ki khushi kuch aur hi sama baanti hai aur ye khushi sirf Ramadan mein hi mumkin ho paati hai. Aaj Flavours of Ramadan ke is kitchen mein ek baar phir aayenge the master of flavours, master chef Kunal Kapoor. मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और खाना पकाना है मेरा फितूर. हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ रमजान. आई होप आपके रोजे अच्छे चल रहे हों और रोजे जो होते हैं वो आपका डिसिप्लिन और आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं. और जो रोजे के वक्त खाना होता है, जब आप रोजे खोलते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तो काफ़ी हैवी खाना होता है और कई बार वो रेपिटेटिव हो जाता है, जैसे कि बिरयानी, करी, कबाब, पास्ता, पिज्ज़ा. क्यों ना आज कुछ ऐसा बनाएं जो चटपटा हो, थोड़ा सा हल्का हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो. तो आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल रोजमेरी कूलर, दाल पकवान एंड रास्पबेरीज विद क्रेप जेली. हम शुरुआत करेंगे दाल पकवान से. दाल पकवान के लिए हमें चना दाल लेनी है. चना दाल में हम डालेंगे पानी, इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ा सा नमक और इसे हम उबालेंगे. इसके अंदर एक तड़का जाएगा, बहुत ही सिंपल होता है. तड़के के लिए हमें चाहिए एक पैन, हम डालेंगे ऑयल, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स. अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली. इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, और इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे. राइट, दाल पकवान बनाने के लिए दाल चढ़ा दिए. पकवान यानी कि जो ब्रेड, एक डीप फ्राइड ब्रेड होती है, उसकी तैयारी करेंगे. साथ ही साथ इसके जाएगी एक टैमरिंड एंड डेट चटनी. सो टैमरिंड और डेट चटनी को भी हम चढ़ा देते हैं ताकि वो उबलती रहे. ये रहा पैन, इसमें हम डालेंगे इमली. इसमें जाएगा पानी, इसके अंदर हम डालेंगे खजूर. ये जो खजूर है ये इसे थिकनेस देंगे, एक डिस्टिंक्ट टेस्ट देंगे और चीनी का भी काम करेंगे. अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी चिली पाउडर, इसमें जाएगा नमक, भुना हुआ जीरा, और काला नमक. आप चाहें तो थोड़ा खजूर, थोड़ा गुड़, थोड़ा खजूर, थोड़ी सी चीनी, दोनों को मिलाकर डाल सकते हैं. अब चलते हैं पकवान की तरफ. हम लेंगे आटा, इसमें डालेंगे नमक, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा. अब इसमें जाएगा देसी घी. अब हम इसे रब करेंगे, जिसे कहते हैं मोए करना, यानी कि शॉर्ट क्रस्ट करना. इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा पानी और थोड़ा सा दूध, आप चाहें तो इवेपोरेटेड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ऑलराइट, ये आटा हमने गूंध लिया है, अब इसे हम इक्वल पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे। इसको देंगे थोड़ा सा रेस्ट, करीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट मिलेगा इस आटे को। तब तक हम चेक करते हैं, चना दाल बिल्कुल तैयार, परफेक्ट। देख रहे हैं खिली खिली दाल है, मैश नहीं हुई। इस स्टेज पे हमें इस दाल को निकाल लेना है। ओके, इसको थोड़ा सा ठंडा होने रखते हैं, ठंडा होते होते ये थोड़ी थिक भी हो जाती है। इन द मीन टाइम सौंठ चटनी, ऑलराइट, ये थिक होने लग रही है, इसे हम छान लेंगे। ऑलराइट, जितना ज्यादा हम इसे मैश करेंगे इस स्ट्रेनर के अंदर, उतना ज्यादा नीचे जो सॉस या हमारी चटनी है वो थिक रहेगी। इस चटनी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए और थिक हो जाए। अब थोड़ा सा काउंटर के ऊपर हम ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि डो चिपके ना। इसे अब हम अच्छे से बेल लेंगे, काफी पतला बेलना है, जितना पतला आप बेल सके उतना। इसको हम एक फोक से डॉक करेंगे, यानी कि इसको पोक करेंगे, ताकि ये फूले ना। जस्ट लाइक वी स्लाइस अ पिज्जा, इसके छोटे छोटे स्लाइसेस या ट्रायंगल्स काट लेंगे, लाइक अ पिज्जा और लाइक अ नाचो, बिल्कुल इस तरह, लाइक दिस, सिंपल। अब इसे हमें डीप फ्राई करना है, इसमें डालेंगे हम ऑयल और इसे हम गरम करेंगे। इसके अंदर हम इसे डीप फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। बहुत जरूरी होता है कि हमारे खाने में भी चेंज आए, हम चाहते हैं कि रोज कुछ नया खाएं या कुछ अलग खाएं, लेकिन हमारे टेस्ट थोड़े से फिक्स्ड होते हैं। अगर हम अपने रेगुलर खाने में थोड़ी सी हेरा फेरी करें, थोड़ा सा उसे मॉडर्नाइज करें, थोड़े से मिक्स एंड मैच करें, तो आई थिंक वही खाना, वही फ्लेवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है फ्यूजन की या प्रोग्रेसिव फूड की। तो आज की ये जो डिश है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो फिर भी देसी फ्लेवर्स हैं। इसे हम निकाल लेंगे, पकवान को ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, व्हाई डोंट यू गाइस टेक अ क्विक ब्रेक एंड कम राइट बैक टू फ्लेवर्स ऑफ रमदान।